इनको ये खुशी हो रही है कि मेंटेनेंस में केस में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है कि अच्छा अरे परेशान भाई हो रहा है। पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो ना तुम उससे, यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव द एंटायर सैलरी। वो बहस करो जितनी बहस कर सकते हो सर, आई विल एक्सप्लेन माय क्लाइंट, आई एम अग्रीइंग टू दैट। यानी जो चीज समझ, जो चीज कहीं स्कोप हो रहा होगा वो वकील साहबान लोग जो है, अरे तू घबराते क्यों, हम है ना सर, अरे ये नाक से लगड़वा देंगे इसको, हम तुमको इतना दिलवा देंगे, ये करा देंगे, बोलो आई हैव जस्ट एंटर्ड। अब वो इतना 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 हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है, अब तो हम बड़े स्ट्रांग फूटिंग पे हैं, लड़ते हैं क्या दिक्कत है। देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को, फिर अब कहाँ खड़ी हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो, ये सारी प्रॉब्लम यही है। आई एम राइट, शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट, ही इज रॉन्ग। नाउ यू सी सी फॉर लास्ट 14 इयर्स ना, सो यू बोथ आर फाइटिंग, तो वर्चुअली यू हैव बिकम अ कोर्ट बर्ड्स। अच्छा बट फॉर दिस लिटिगेशन यू वुड नॉट बी फीलिंग हैप्पी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लिटिगेशन यू आर सर्वाइविंग, देयर इज नथिंग एल्स इन लाइफ। मैडम आप रहने के लिए तैयार है, अगर आपका पर्सुएशन इतना सिंसियर होता तो कब से आप इनको विन ओवर कर लेती। 2010 से लिटिगेशन शुरू हो रहा है, तो व्हाई लिटिगेशन शुड कम इन द वे, इफ यू आर रियली कीन टू लिव विद योर हस्बैंड, बट देन व्हाई शुड यू नॉट, डिस्पाइट सेवरल ऑर्डर्स, डिस्पाइट थ्री और फोर, ही सेज थ्री मेडिएशन फेल्ड, माय लॉर्ड दे डोंट टेक मी, माय माय क्लाइंट इज इवन रेडी टू कम एंड, वेयर इज योर क्लाइंट, शी इज आउटसाइड द डोर, कॉल हर एंड शी इज, एंड वेयर इज योर क्लाइंट, ही डोंट कॉल हिम। हम कोई भी शर्त और किसी भी बात के अपोलोजेटिक है मानने के लिए तैयार है। लेट अस सी द व्हाई दे कैन नॉट लिव टुगेदर जस्ट बिकॉज़ ही डजंट वांट। अब ये फिर ये प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोग ज्यादा बोलते हो, लिटिगेंट्स कम बोलते हैं, इसलिए दोनों शांत रहे आप लोग, लेट अस अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम दोनों के बीच में है। शादी कब बनाई थी आपने? 8 में। क्या करते हैं आप? BSNL। अच्छा मैडम आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्वालियर। शादी 2008 में हुई थी, बच्चे भी होंगे? बेटी बेटी है बेटा? कहाँ पे है वो? मैडम के पास है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है मैडम? कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो साथ में। सर मैंने इतने ट्राई कर लिया, फैमिली कोर्ट में कर लिया, कोर्ट में कर लिया, काउंसलिंग हो गई, घर पे ले गया, यहाँ तक कि मैंने जो सेक्शन 9 सबसे फर्स्ट मैंने लगाया था, सेक्शन 9 फर्स्ट जब मैंने लगाया था उसमें भी काउंसलिंग में इन्होंने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद फिर कोर्ट को जज साहब ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्केट लेने गया, वहां पर मेरे को गालियां दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का केस लाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना, बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने। मैं वापस आ गया, फिर मैंने सेक्शन 13 फाइल किया और मैं एप्लीकेशन भी फाइल की, कंप्लेंट की फाइल की। उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया अपना सेक्शन 9। सेक्शन 13 में भी काउंसलिंगें हुई, कई काउंसलिंग हुई, उसमें भी फिर मैं कोर्ट से लेके आया, डायरेक्टली अपने घर लेके गया कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से, फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करती, थाने चली गई। मैं मतलब बहुत मेरे को इतना हैरेसमेंट किया है, मैं 14-15 साल से सर ऐसा परेशान जी रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मैं दूसरी बात कहता हूँ जी कि भाई ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं जी, इसको बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो ब्लोअप किया जाता है ना, वो केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। तो मेरी तरफ से सर मैं आप समझिए बात, दोनों आप पढ़े लिखे दिख रहे हो, अच्छे परिवार से दिख रहे हो, 14 साल लड़के क्या गेन किया तुमने ये बताओ सर। दोनों अभी भी लिटिगेशन के ही कॉइल्स में चल रहे हो, ये 14 साल जो निकल गए ये तुम्हारे वापस तो आएंगे नहीं, कभी नहीं आ रहे ना, आपके ना आप।
प्राइम पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ आपने लिटिगेशन में निकाल दिया। सर मैंने तो इतना प्रयास किया कि अब ये सारी प्रॉब्लम यही है, आई एम राइट शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट ही इज रॉन्ग। ये राइट और रॉन्ग की कहानी जो है इसका कोई एंड नहीं है। तो जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लॉजिक होता है क्या? ईमानदारी की बात बताओ, किसी को तो झुकना पड़ता है ना थोड़ा सा। दो मिनट शांत हो जाओ तो, अगर इफ शी इज हाइपर आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर ये शांत हो जाए। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो। नॉर्मल कोर्स में कोई वाइफ अपने हस्बैंड को एम्बेरस क्यों करेगी? नॉर्मल कोर्स अनलेस ऑफ कोर्स शी वॉज फोर्स टू मैरी, ऐसा दिख नहीं रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम दोनों अच्छे दिख रहे हो, स्वस्थ दिख रहे हो। मेरा तो जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा हूं, तो मैं वही कह रहा हूं कि इस मेंटल ट्रॉमा का इलाज जो है थोड़ा सा अपने अंदर इलास्टिसिटी ले आओ। और मैडम आप भी, आप वाइफ हैं, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। हर वक्त बहस में इन्वॉल्व होने के बजाय कभी शांत रहना भी सीख लो। कभी कभी हो सकता है आदमी बाहर से काम करके आता है, ऑफिसर ने या बॉस ने डांटा हो तो गुस्सा आप पे उतार दिया उसने, तो पहले समझ तो लो क्यों डांट रहा है वो आप। सर इन्होंने फैक्चुअल एस्पेक्ट अलग चीज होती है, रीजंस क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इन्होंने सर हमेशा आरटीआई एप्लीकेशन में शिमला रहा, मैं गुजरात रहा, अहमदाबाद रहा, मैं दिल्ली रहा, अभी दिल्ली में हूँ, मैं ग्वालियर पे रहा, जहाँ गया मैं वहाँ आरटीआई एप्लीकेशन लगा के इन्होंने पैसे की सैलरी के लिए, सिर्फ पैसे के लिए लड़ी है ये। आप पैसा, अरे आपकी किस्मत से इनकी कमाई होगी, आप तो आपकी किस्मत भी तो काम करती है शादी के बाद। और सिंगल प्रयास नहीं किया ना इनने, इनके फादर ने कभी, लड़ने से कोई फायदा मिलेगा? आप खुद सोचो। और ये लड़ाई में आप दोनों मोहरे बन जाते हो, और जो लोग लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं वो हेजेस में बैठे रहते हैं। इनको ये खुशी हो रही है कि मेंटेनेंस में केस में अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है कि अच्छा। अरे भाई पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो ना, तो उससे यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव द एंटायर सैलरी। बट थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा रखो कि घर का भी एक अच्छा वातावरण रहे। मदर फादर पे हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, अरे मार वो रहे तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, आफ्टर ऑल उसका भी यंग ब्लड है, तुम भी यंग हो, तो कभी कभी कुछ रिएक्टिव मोड में आदमी आ जाता है। लेकिन ऑल सड एंड डन दोनों लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को समझ तो लो पहले, और सबमिसिव होना बहुत जरूरी है। मैडम रिएक्टिव होना अच्छी बात है, आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड हैं, आप भी उनकी वाइफ हैं, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए, और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। हर चीज आपके मुताबिक चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड लाइकवाइज हर चीज उनके मुताबिक नहीं चलेगी। कहें ना शादी है, इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, हर घर में एडजस्टमेंट होता है। और अगर साथ नहीं रह सकते हो तो फिर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तय कर लो भाई वंस फॉर ऑल, इतना पैसा लो जाओ, हम अपने जाए अपने जाए। बट ऐसी चीज दिख नहीं रही है मेरे को, केवल समझ का फर्क है बस। एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, कोई रीजन नहीं तुम साथ ना रह पाओ, लेकिन सबमिसिव होना पड़ेगा। एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इज्जत इनसे है और इनकी शोभा आपसे है। समाज में आप दोनों को एक साथ देख के लोग एक्सेप्ट करेंगे,
इसलिए दोनों को एक दूसरे के लिए केयर कंसर्न के अलावा समझदारी से काम लेना चाहिए आप। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? सर मैं साथ रहना चाहती। लेकिन ये इतना आप वादा करो कि आप इनको इंस्टिगेट नहीं करोगी आप, और कोई नो न्यूसेंस नो नॉनसेंस। हस्बैंड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, यू हैव टू टॉक टू हिम। कोई मसला है, ऐसा कौन सा मसला होता है कि जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता? बट बात करो ना। ये पुलिस की सब ये तो ऐसे लोग करते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, पुलिस में कंप्लेंट। आफ्टरऑल हस्बैंड है तुम्हारा, हो गाली गलौज। डोमेस्टिक वायलेंस का जब उनको एक ऑर्डर मिला था 2012 में, तो उसके तहत घर पे आई तो कहती मैं तो ऑर्डर से आई हूँ, हमेशा ये चाहती है कि कभी ये ऑर्डर से कहा क्या कर रहे हैं, तो ऑर्डर का दबाव दिखा के मेरे को भी पुलिस को पकड़ा देंगे। वो सब गलत बात है, हस्बैंड वाइफ है अपनी, यू शुड रिमेम्बर द गुड डेज। अपनी बिल नहीं दिखाई रहना नहीं है कभी, 15 साल से मैं अलग रह रहा हूं। यू बोथ शुड रिमेम्बर गुड डेज यू हैव स्पेंट आफ्टर मैरिज। मैं गुजरात से आता था अहमदाबाद से, तो तारीख बढ़वा लेते थे परेशान करने के, जैसे मैं परेशान कितना हो सकूं उस केस में, बस यही किया है। मैडम आप इनको समझाइए, समझा करके अगर तैयार होंगी तब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ट्राई दे दो। हाँ आप बहस करें, एक बेटी है इनकी एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यू शुड एटलीस्ट टॉक टू हिज डॉटर, और कुछ नहीं। नहीं आप थोड़ा सा और वार्म अप करो उनको, ताकि वो बहस करो जितनी बहस कर सकते हो। सर आई विल एक्सप्लेन माय क्लाइंट, आई एम अग्रीइंग टू दैट। यानी जो चीज समझ, जो चीज कहीं स्कोप हो रहा होगा वो वकील साहबान लोग जो है, अरे तू घबराते क्यों, हम है ना सर, अरे ये नाक से लगवा देंगे इसको, हम तुमको इतना दिलवा देंगे, ये करा देंगे, बोलो इतना हवा भर दो क्लाइंट को कि बोले हाँ ठीक है, अब तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, लड़ते हैं क्या दिक्कत है। देखो 14 साल तुम लड़ ली, कितना फीस दिया वकील को, फिर अब कहाँ खड़ी हो, स्क्वायर ए पे। अगर यही चलता रहा तो वो यही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी यही होगा, और वहां भी जज साहबान यही आपसे कहेंगे कि मत लड़ो। इस उम्र में अब कहां जाओगे दोनों लोग, इसलिए आप दोनों से हमारी दरख्वास्त है फिर से सोचो। लेकिन इतना मैं आप जरूर कहूंगा, आपको एज अ वाइफ रहना है तो थोड़ा सबमिसिव रहो, आप घर चलाना, ये समझदार लेडी का फर्ज यही होता है। आपको सबको देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो आपका एटीट्यूड तो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए जो सबको एक साथ रखो। आप घर को आप ही तो बनाओगे, और कौन बनाता है। और मैं कोर्ट ऑर्डर लेके आई हूँ, और मैं वकील साहब से बात करके आई हूँ, उन्होंने कहा अगर गड़बड़ करे तो फिर आना मेरे पास, मैं समझा दूंगा उसको, समझा दूंगी उसको मैं। ये सब कहानी बंद करो। डोमेस्टिक वायलेंस में जब आए तो तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस मुझे माधोगंज थाने ले गई। अब बताओ ये सब यानी कि टोटल मूर्खता है। सर ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब झूठ है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कुछ आप बोलो ही मत इन चीजों के ऊपर, तो आप मन बना लो। हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं एक बार साथ में रहो। सर मन बना लो। क्या नाम है आपका? नितिन शिवहरे। नितिन शिवहरे यहीं रहते हो? नहीं दिल्ली। दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली में। दिल्ली में सर अभी उधर रह रहा हूँ, निर्माण बिहार में, लक्ष्मी नगर। अच्छा उधर ईस्ट दिल्ली हुआ, नॉर्थ दिल्ली हुआ? ईस्ट दिल्ली। कोशिश करो एक बार, इसको हम पेंडिंग रखते हैं, एक बार कोशिश करो। इतनी बातें हो गई हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से साथ ना रहने की बात करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, इस 14 साल तुम लोग के निकल गए, और वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?
आज डॉटर है तुम्हारी एक, है ना, उस बच्ची की क्या साइकोलॉजी हो गई हो? उसको भी उन्होंने मेरे विरुद्ध भर दिया है, फिर भाई वायलेंस में उसको खड़ा करना चाह रहे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, गवाही देने के लिए मैं उसको जितना कुछ हो चुका है, इतना आसान नहीं भूलना, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन भूलने की कोशिश तो करना चाहिए ना। जब वो सामने खड़े होके बोल रही है मैं जाना चाहती हूँ, वो हमारी लोग की कोर्ट, हाई कोर्ट है ये, अगर आगे कुछ गड़बड़ होगा तो हम बैठे हैं ना। यही तो हो जाता है, अभी क्या है कि अभी ये कुछ रहने चले गए, अल्टीमेटली इन्होंने कुछ पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो फिर कोर्ट बचाने कुछ नहीं आता, फिर अल्टीमेटली एक नया तो केस, मैं नया अगर, केस बन जाएगा। अब मैं आपको बचाने थाने तो जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर ऐसी कोई हरकत करती हैं तो मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, यू प्लीज मूव एन एप्लीकेशन, वी विल सी टू इट। मैं उसी दिन आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दूंगा अगर कोई ऐसी हरकत इन्होंने करी जिससे आपको किसी पुलिस एक्शन में या कोर्ट एक्शन में इन्वॉल्व कर लिया है, तो यू कम बैक टू मी, देन वी विल नॉट गो फॉर दिस मेडिएशन, वी विल इंश्योर दैट यू गेट अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। मैडम आप ही समझ लो, तो सब भूल करके एक अच्छी मैरिड लाइफ लीड करो, उस बच्ची को दोनों का सपोर्ट मिलने दो, लेट हर ग्रो इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, आगे बहुत आगे जाएगी बच्ची वो। अब नो पुलिस नो कोर्ट मैडम। हाँ देखो भाई, कह दिया ना उन्होंने कभी नहीं, थोड़ा ऊपर देखो तुम तो, एकदम नीचे देख के ऐसा लग रहा है बहुत लाचार हो गए हो तुम। एक्चुअली मेरे को कंटेक्ट पता है ना, मैं 14-15 साल से जुडिशियल प्रोसेस में बिंदा हुआ हूँ, मेरा चैन रात की नींद खराब हो गई, नींदें नहीं आती मुझे रात में। अभी एक बार कोशिश तो करो, मैं आपको बिल्कुल कहना मान रहा हूँ सर, आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम एक बार कोशिश कर लो तुम बस, अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम यही तुमको डिग्री दे देंगे डाइवोर्स की, इतना हमारा वादा है, नो डाउट सुनने के बाद ही देंगे दोनों को, तो समझाओ इनको भी है। तो कब आओगे वापस? पर ये ले जाए, वी आर रेडी, इवन द डॉटर इज, कहाँ बच्ची आई है? बच्ची सर अभी आज उसका पेपर था इसलिए नहीं आ पाई, बट शी इज ऑल्सो रेडी टू मूव इन विद द फादर, एनी ये आज ले जाए, हम आज जाने को तैयार। ऐसे नहीं करते, आज ले जाए सर, इनका यही है ना, कोर्ट से ही जाना चाहते हैं, अगर इन्हें कुछ भी प्रोसेस ये नहीं करी। नहीं नहीं, परिवार परिवार बिखरने से बचा लो, ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, वो बच्ची जब बड़ी होगी तो हम नहीं चाहते कि वो माँ बाप के प्रति ऐसी फीलिंग रखे कि वो शादी ना करे, बच्ची के लिए साथ हो लो। सारे प्रयास अभी तक सर मेरे तरफ से किए गए, इन्होंने अगर एक प्रयास भी किया हो तो मैं आज सच बोल रहा हूँ सर, इनको कब का कई बार हमेशा रखने की कोशिश किया है और फेल हुआ हूँ मैं ऐसा कहता हूँ, आज मैं कह नहीं कहता, आज ले के जाओ तुम एक हफ्ते बाद आ जाओ, इस तैयारी से आओ कि तुमको बच्चे को, उसका एग्जाम कब तक है? शील भी फ्री, डेढ़ बजे के बाद आ सकती है। नहीं नहीं, सिक्स अगस्त। अच्छा अभी नहीं, किस क्लास में है? एट में। तो क्या फाइनल एग्जाम अभी तो नहीं, चल रहा है जो। एक हफ्ते बाद आओगे ले जाओगे? कोई बात नहीं, पानी पी लो। नहीं मैं एकदम से कुछ बोल भी नहीं रहा हूं, आप एक हफ्ते बाद ले जाओ, क्योंकि पुराना घाव है, तकलीफ देता है, तो फिर से सोच लो एक बार। हार्डली सर 2-1.5 महीने रहे हैं, उसी के बाद से मैं अलग रह रहा हूँ, तो इतना टेंशन कर दिया है ना हर बार। मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे कि तुम, हम एक हफ्ते बाद मुकदमा लगा देते हैं, फिर से इंट्रोस्पेक्शन कर लो, सोच लो, जो बातें मैंने तुमको बताई हैं एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज एडवोकेट्स जिनका मुकदमा नहीं लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि आपका परिवार एक साथ हो जाए,
सोच लो उसके ऊपर और डिस्पैशनेटली सोचो, बायस दिमाग से मत सोचो, सोचो, कम बैक, विल टॉक अगेन, टॉक नेक्स्ट वीक रखते हैं। मैडम इस बीच में थोड़ा सा आप भी है बातचीत करके और कोशिश करो इन लॉज से बात करो, अपने इन लॉज से फोन पे बात करो, और देखो बुजुर्गों से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है, आप इन लॉज से बात करो और उनसे अपनी रिग्रेट एक्सप्रेस करो और पूछो बाबू जी माता जी हम आ रहे हैं, इतनी बात करके आना नेक्स्ट टाइम जब आना, तो ताकि घर जाना पड़ेगा, नंबर नहीं है मेरे पास, नंबर दे दो भाई, नंबर दे दो, ये इस हफ्ते में वो बच्ची से भी बात करवाना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और फादर से, और हमको बताना क्या बातचीत, ठीक है, हम अगले हफ्ते लगाते हैं, अगले ट्यूसडे को लगाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे, गॉड ब्लेस।